नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका क्रिकेट वर्ल्ड में। साइन अफरीदी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दी खुली चुनौती, क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रविवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने होगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड ने भारत को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। मैच से पहले पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज साइन अफरीदी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चुनौती दी है। अफरीदी ने मैच से दो दिन पहले कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होगा। अफरीदी ने चोट के बाद वापसी की है, उनके लिए शुरुआती दो मैच अच्छे नहीं रहे थे। अफरीदी ने भारत के खिलाफ 34 और जिम्बाब्वे के खिलाफ 29 रन दिए थे, जिसके बाद उनकी आलोचना होने लगी थी। लोग उनकी फिटनेस पर सवाल उठाने लगे थे। अफरीदी ने फिर शानदार वापसी करते हुए आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 1, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3, बांग्लादेश के खिलाफ 4 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट लिए। पिछले 4 मुकाबलों में 10 विकेट लेकर अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में सनसनी मचा दी। उनकी टीम एक समय बाहर होने वाली थी, लेकिन नीदरलैंड ने जब दक्षिण अफ्रीका को हराया तब पाकिस्तान को जीवनदान मिल गया। उसने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर न्यूजीलैंड को पीटकर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम मेलबर्न में 30 साल बाद इसी विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होगी। पिछली बार 1992 में पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में इंग्लैंड को हराकर विश्व कप अपने नाम किया था। इंग्लैंड की टीम उस हार का बदला लेने की कोशिश करेगी।